Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो आज मैं क्या बना रही, बहुत ही डिफरेंट और अलग स्टाइल की सीख बना रही हूँ। ग्रीन सीख कबाब, आप इसे हरियाली सीख कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से मजेदार से बनती है। तो चलिए बनाते हैं झटपट से आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, यहाँ पर मैंने आधा कप टाइटली पैक्ड कोथमीर यानी कि हरा धनिया लिया है धोया हुआ, और आधा कप है ये, और दो तीन हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए, मैंने तीन डाली है, और ये है 1/4 कप धोए हुए फुदीने टाइटली पैक। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा बारीक ये देखिए पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। ये है आधा किलो धोया हुआ और 10-15 मिनट छन्नी पे रख दिया था मैंने कीमे को। चिकन का कीमा है, ये है थाई पोर्शन, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। हल्का सा निचोड़िए, एकदम जान मत निकाल दीजिएगा, हल्का सा निचोड़ कर इसे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून असली घी, आप मक्खन या तेल भी डाल सकते हैं, आधा या 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, और ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है पानी बहुत ही कम डालकर पीसिएगा। हाँ, ये कोथमीर और पुदीने को इसका पूरा पेस्ट डाल दीजिए सारा। मैंने 1.5-2 टेबलस्पून दही को छन्नी के ऊपर छानने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था, तो उसमें से 1 टेबलस्पून गाढ़ी, एकदम गाढ़ी दही में डाल रही हूँ, वैसी ही डालिएगा आप भी। 2 ब्रेड को रफली इस तरीके से हाथों की मदद से बारीक बारीक पीस कर लीजिए और इसका ढक्कन ढक कर बहुत अच्छा बारीक ब्लेंड कर लीजिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हल्का सा अच्छा खासा ब्लेंड हो गया, तो मैंने थोड़ा सा कलर के लिए ग्रीन फूड कलर डाला है। अब आप ऑप्शनल है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा पीसा जाए तो इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। अब इसके ऊपर स्टील की वाटी रख दीजिए, गरम कोयला डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल, घी या मक्खन डाल दीजिए ये कोयले के ऊपर, क्विकली ढक्कन ढक कर कुछ वजन रख दीजिए और इसे तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट इसी तरीके से ढका हुआ साइड पर रहने दीजिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये कोयले को फेंक दीजिए, स्टील की वाटी को हटा दीजिए। अब ये जो आपने मिक्सचर है ना हमारे चिकन का, इसे इक्वली 12 पोर्शंस में मैं डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 12 सीख बना रही हूँ। आप बड़ी बड़ी बना रहे, 6 बना रहे तो 6 पोर्शन कीजिए। चलिए, अब एक पोर्शन को लीजिए, तेल या पानी से ग्रीस कीजिए, कांडी लीजिए या सीख लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से एक पोर्शन को लगा दीजिए। फैलाने के बाद इस तरीके से मार्क्स दे दीजिए हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से, और इसे साइड पर रख दीजिए। बन गई हमारी एक सीख, इसी तरीके से सारी बना लीजिए। अच्छा, फर्ज करो कि अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो और उसी समय आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और सीख में कन्वर्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप चाहें तो एक जो ब्रेड है उसके पीसेस करके इसे फिर से मिक्सचर के अंदर डालकर, जार के अंदर डालकर अच्छा ब्लेंड कर लें, या फिर आप 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डालकर मिक्स कर लीजिएगा, तब मिक्सर जार में डालने की जरूरत नहीं, और उसके बाद डिवाइड कीजिएगा पोर्शंस में। या फिर आप ये दोनों चीज नहीं करना चाहते तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ढक कर, जब अच्छी बॉडी पकड़ी जाएगी ये जो हमारे मिक्सचर के अंदर चिकन के, उसके बाद उसको इक्वली डिवाइड करके फिर सीख में कन्वर्ट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे स्टोर रख के 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। अब आप जब कांडी में डाल देते हैं तो फ्रिज में 1 घंटे के लिए नीचे रख दीजिए, जब 1 घंटा हो जाता है तो चाहे तो कांडी में से निकाल लें और जिप लॉक बैग में डाल दें, या फिर आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में रख दें, 1 हफ्ते तक रख के खा सकते हैं। जब भी दिल करें निकालें, थॉ करें और फिर फ्राई करें। तो ये बन गई बढ़िया सी 12 सीख, मैं 6 अभी बना रही हूँ और 6 रख देती हूँ फ्रिज में रात के लिए। तो सबसे पहले मक्खन डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए फ्राई पैन के अंदर, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर जितनी आपको सीख डालनी है वो सारी, मैं तो 6 बना रही हूँ जैसे आपसे कहा, तो ये सारी 6 डालकर इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए। जब आधा मिनट हो जाए और आपको लगे कि पीछे अच्छा शेप पकड़ लिया है चिकन का, तो फिर उलट पलट करते जाएं, चारों ओर से डार्क स्पॉट्स फास्ट आंच पर दिला दें, जब ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाएं चारों ओर से तो ये चिकन को निकाल लीजिए सीख को। अब जब तक, अब पकने का टाइम इसका ये है कि जब तक आप इसे ग्रिलिंग स्पॉट्स देंगे ना, तब तक तो ये अंदर से पक भी जाएगी क्योंकि अच्छी खासी पिसी हुई है, और इसे तकरीबन 2-3-4 मिनट में तो ये आराम से ग्रिलिंग इफेक्ट्स भी दे देगी और अंदर से पक भी जाएगी।
चलिए चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आ गए, अंदर से पक भी चुकी होगी, 3-4 मिनट हो गए हैं पक के चूल्हे पे, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ेदार से बने हैं। चलिए अब आप क्या करें, तो ऐसे ही आप चाहें तो कांडियों के साथ ही सर्व करें, या फिर मेरी तरह कांडियाँ हमें से निकाल लीजिए और सर्व कीजिए प्याज के साथ। और मैं ना क्या कर रही हूँ, एक अलग ट्विस्ट दे रही हूँ इसको, ग्रीन मायो के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। है ना बढ़िया सा ट्विस्ट, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इनके साथ ये। अगर आपको ग्रीन मायो डिप की रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ज़्यादा लोग होंगे तो मैं ज़रूर बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से, अंदर से एकदम जूसी थे और इतने सॉफ्ट थे ना, सच्ची में मज़ा आ गया खा के हमें तो। और तो ये बन गए हमारे ग्रीन सीख कबाब विद ग्रीन मायो डिप, मज़ेदार से ज़बरदस्त एकदम। कुछ डिफरेंट स्टाइल्स की सीख्स की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके जो लिंक्स है फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, और अगर हाँ आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।